द्वारका एक्सप्रेसवे से गुरुग्राम की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। राव नरबीर ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का लोगों को दिया न्योता। नमो सरकार ने देश और प्रदेश में विकास का डंका बजा रखा है। पूर्व मंत्री राव नरबीर ने अपने संबोधन में कहा कि देश में मोदी की और बादशाहपुर गुरुग्राम में राव नरबीर की गारंटी है कि विकास का पहिया तेज रफ्तार से दौड़ेगा। हिसार, सिरसा व रोहतक क्लस्टर प्रभारी एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि गुरुग्राम में नमो मनो सरकार में विकास की बहुत परियोजनाओं पर काम हुआ है। लोक निर्माण मंत्री रहते हुए मैंने द्वारका एक्सप्रेसवे को मंजूर करवाया था, जिसके निर्माण पर 9,600 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है। 11 मार्च को गुरुग्राम के सेक्टर 84 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सप्रेसवे के उद्घाटन करेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे से गुरुग्राम की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। राव नरबीर सिंह भाजपा के गांव चलो अभियान के तहत शनिवार को बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गाँव खिड़की माजरा, धर्मपुर व धनवापुर में लोगों को संबोधित कर रहे थे कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेरी मांग पर द्वारका एक्सप्रेसवे को मंजूर किया था। द्वारका एक्सप्रेसवे को अपने राजनीतिक जीवन की विशेष उपलब्धि बताते हुए राव नरबीर सिंह ने कहा कि पहले ये रोड हुट्टा रोड हुआ करती थी। नितिन गडकरी के साथ मीटिंग के दौरान मैंने इसे NH का दर्जा देने में सुझाव रखते हुए केंद्र से बनाने की बात की थी। गडकरी जी ने मेरी मांग को मानते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे को मंजूर किया और अब ये बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। इस द्वारका एक्सप्रेसवे से दिल्ली की दूरी बहुत कम हो जाएगी। पहले जहां 1 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता था, वहीं अब 22 मिनट का सफर होगा। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले विश्व में हमारा उल्लेख नहीं होता था, लेकिन करीब 10 साल के शासन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख बढ़ी है। मोदी की लोकप्रियता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि न केवल देश अपितु विदेशों में भी उनको सुनने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ता है। हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों में सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर लोग बहुत ही खुश हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। लोग खुश हैं कि प्रधानमंत्री भारत के हर एक नागरिक का जीवन सुगम बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। राव ने लोगों से सहयोग और समर्थन की अपील करते हुए कहा कि जाति के आधार पर नहीं बल्कि काम के आधार पर मतदान करना चाहिए। यदि आप लोगों को ये लगता है कि राव नरबीर सिंह ने विकास कराया है, तो आगामी चुनावों में भाजपा को वोट देकर नरेंद्र मोदी को 400 पार का आशीर्वाद देकर सफल बनाएं, जिससे देश मजबूत हाथों में रहे और अर्थव्यवस्था में देश की तीसरी शक्ति बनकर जल्दी उभरे। साथ ही विजन 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में अपनी भागीदारी दर्ज करें। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 11 तारीख को 11 बजे इस अपने द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। ये वो द्वारका एक्सप्रेसवे है जो हमारे गुड़गांव की दिल्ली को कनेक्टिविटी करेगा और हमारा हरियाणा और हिंदुस्तान का सबसे महंगा रोड है। ये 28 किलोमीटर का 9,600 करोड़ रुपए का है। साथियों, जब मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था तो गडकरी जी से तकरीबन हर 3 महीने में हमारी मीटिंग होती थी, और मैं जब मीटिंग रखता था तो ऐसे टाइम का रखता था तब कुदरती मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री में दिल्ली में हरियाणा वाले होते थे, तो मैं उनको भी जाकर अपने साथ ले जाया करता। तो हमने जैसे बादशाहपुर एलिवेटेड बनवाया वो 1900 करोड़ रुपए का है, तो उसका जो शिलान्यास हुआ उसके बाद मैंने कहा कि मेरा एक रोग है, क्योंकि एक बार मैं अपने एक दोस्त के साथ प्राइवेट गाड़ी में खेत में दोगा से घूमता मैंने इस रोड को मैं देख के आता हूँ। ये हुड्डा का रोड था, मैं रोड निकलता टूटा हुआ रोड था। ये गाड़ियां जो होंडा सिटी वगैरह जो कार है ये सब नीचे टिक जाते, जितना बड़ा रोड था टूटा हुआ तो बघेड़ आके बंद हो जाता, जो आगे दिल्ली की सीमा होगी। तो मैंने बाद में सोचा इस रोड का फायदा क्या हुआ होगा जब दिल्ली में कनेक्टिविटी नहीं है, बंद हो जाएगा। तो अगले महीने जब हमारी मीटिंग हुई गडकरी जी से, तो मैंने कहा कि हमारा एक रोड है और वो सारा का सारा मेरी विधानसभा में, ये खेत के दोला से बघेड़ा तक सारी बादशाहपुर विधानसभा बनेगी। और मैंने कहा मैं राज्य का मंत्री हूँ और मेरी बड़ी समस्या है रोड का, क्या मैंने कहा कि ऐसे ऐसे रोड है और उसकी कनेक्टिविटी दिल्ली में नहीं है, यदि हम इसको अच्छा बना भी देंगे तो दिल्ली में नहीं जा पाएगा, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हमारी को मान नहीं। तो बोलो मैं क्या करूं, मैंने कहा जिसको आप नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दो और आप इसकी दिल्ली में जमीन एक्वायर कर दो, हमारे यहाँ तो जमीन है। तो
सुने का कितना खर्चा आएगा? मैंने कहा 400-500 करोड़ का खर्चा है। उसने एजेंडा एक में था नहीं, वो बना है तो अफसर बैठे थे, इसको सर्वे में डाल दिया और इसको करो तो सर्वे में डाल दिया, तो खर्चा कितना आएगा? मैंने कहा 400-500 करोड़ आ जाएगा। और उन्होंने कहा ठीक है, बढ़ा दे इसके मंजूर कर दिया। और आपको यकीन नहीं होगा, जब ये मंजूर होगा सर्वे रिपोर्ट होगा ही, तो ये सबसे महंगा बना 400 करोड़ की बजाय 9600 करोड़। मुझे भी याद है कोई दुख सुख हो मोरताबाद में, धनवापुर में, धर्मपुर में, या इस लाइन के इस पार, जब हमें सुख दुख में आने में बड़ी हिचक होती थी, या डेढ़ घंटा से मोरताबाद भाई और लग जाएगा आने जाने में, आप लोग भी रोज आते थे तब रहा था, ये गांव का पिछड़ा हुआ गांव मानते थे कि पीछे वाले गांव है, और कई बार तो ताल कर देते थे या नहीं जाना होते थे, इस मामले में 5000 साथी निपटाओगे एक बन जाएंगे। लेकिन आज ये गांव, मैं कह रहा हूँ पीछे गांव तो वो हिंदुस्तान के सबसे आगे गांव हो। आपके गांव की इतनी कदर होगी, जमीन की इतनी कदर होगी, दुनिया के बड़े बड़े लोग यहाँ रहने मिली आगे, आप मेरी बात याद रखना। से नहीं होती तो वो कीमत ना जमीन की होती ना आप लोगों की होती, लेकिन सिर्फ द्वारका एक्सप्रेस वे की वजह से, गेट की दोला से इधर इधर के गाँव की कनेक्ट पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, कितने विकास के काम हुए इन 10 सालों में, मेरे से ज्यादा आप हो गए। देश में इतनी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू की कि शायद मुझे भी याद नहीं। आम आदमी, गरीब आदमी, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, महिला हो, युवा हो, सब ने ये योजनाएं लागू की। और 2019 तक भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में भी बहुत विकास हुए, लेकिन 19 में अल्प है की सरकार बनी, अब 2 साझा पार्टियों की सरकार है हरियाणा, इसमें साझे का काम थोड़ा सा खराब होता है। काम तो कोई भी साझेदारी कर लो, जब एक बार नहीं होता साझेदारी में थोड़ी सी दिक्कत आती, तो आम लोग कहता जो 2014 से 2019 तक विकास हुआ, हाँ 19 से अब नहीं हुआ, तो भाई 19 से बहुमत भी पार्टी का नहीं था। 2019 में पार्टी ने मेरी किसी कार्ड से कोई राजनीतिक कार्ड में सर्टिफिकेट काट दी, मेरी कोई पार्टी से दुश्मनी है क्या? आज मैं लोकसभा क्लस्टर 3 लोकसभा का इंचार्ज बना रखा हूँ, राष्ट्रीय परिषद गुरुद्वारा लोकसभा का मैं सदस्य बना रखा हूँ, तो इस कार्ड में 543 होते हैं, तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा।